आगे बढ़े हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने जोरदार हमला बोला है। अयोध्या में एसपी दीप नहीं जलाने देती थी, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं लगातार सियासी माहौल गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आर पार का सिलसिला लगातार जारी है। कभी अखिलेश यादव की तरफ से सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला किया जाता है, कभी योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार को लिया जाता है निशाने पर। और उसी क्रम में ये नया बयान सामने आया है, योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर हमला। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज जो ये सुविधा मिल रही है, क्या 17 के पहले संभव था? 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का सागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। और वही अखिलेश यादव भी लगातार निशाना साध रहे हैं योगी सरकार पर। इनकाउंटर वाला मुद्दा एक बार फिर से अखिलेश यादव ने उसे लेकर सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश में ठोकर नीति चल रही है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। मठाधीश सीएम से कोई उम्मीद नहीं है। मैंने संत सन्यासी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। जब से बीजेपी हारी, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जोरदार हमला योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का। इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। और अगर विस्तार से सुनना चाहो तो मैं कहूं माइक उन्हें दे दूं। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। एक सवाल है कि आप प्रत्यक्ष सरकार आपके विधायकों पर भी, आपके कार्यकर्ताओं पर बदले कार्रवाई कर रही है। जाहिद बेग जो आपके एमएलए हैं, उनकी नौकरानी की मौत पर एडमिटेड सुसाइड का मामला दर्ज किया गया, उनकी पत्नी पर। तो ये बहुत दुखद है कि अगर ऐसी घटना हुई है कहीं, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई काम करने वाला व्यक्ति या इस तरह का रहता है। कभी कोई घर परिवार वाला नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए, उसके घर में ऐसी घटना हो जाए। उन्हें इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में। ये पहले दिन से स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए। और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी को कर दो। उसने मुझसे कहा कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी नौकरी जो
मंदिर परिषद में थी उसकी नौकरी न छीनी जाए और उसके परिवार के ऊपर अननेसेसरी दबाव न बनाया जाए, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि दबाव बनाया जाए, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर गए हैं, उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए भी कुछ न कुछ कहेंगे। कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, चुनाव आयोग का काम क्या है फिर? चुनाव आयोग में भी जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उन पर भी बहुत खर्चा होता है, और आप साजिश से सावधान इसलिए रहिए कि इसमें कर्मचारी और अधिकारी आउटसोर्स किए जाएंगे, लेटरल एंट्री से लाए जाएंगे। अखिलेश यादव का करारा वार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर, आप सुन रहे थे।